नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों का पोस्टपोन हो चुका है और इसी को लेकर ये वीडियो बनाने का मकसद है कि पिछले 7-8 दिन में आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस टॉपिक्स आए होंगे जो लास्ट टाइम पे रिवीजन करते समय आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पेपर हमसे छूट गए हैं या ये टॉपिक्स हमसे छूट गए हैं, ये क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं। तो पिछले कुछ दिनों में यानी लास्ट 7 डेज में आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की होंगी, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को मार्क करके और पेपर पे लिखें और लिखने के बाद इन्हीं की तैयारी सबसे पहले आप लोग करें इन्हीं टॉपिक्स की, क्योंकि ये जो समय आपको मिला है इसे आप लोग उसे व्यर्थ ना करें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एग्ज़ाम बिहार कभी भी ले सकता है। और मान के चलिएगा कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आप लोगों के सामने नोटिस आ जाएगा। ये परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं कि COVID-19 का कितना बड़ा प्रकोप है या क्या चीज़ें अभी चलेंगी सामने। ठीक है, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, 1 या 2 दिन आप लोग रेस्ट कर सकते हैं मेंस देने वाले विद्यार्थी, साथ में रिवीजन करते रहें, लिखते रहें। मेंस के लिए हमारा न्यू पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 8 अप्रैल से ही मैं इसको नया स्टार्ट कर रहा हूँ और 12 टेस्ट पेपर इसमें इंक्लूड है। 12 टेस्ट पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जीके और जीएस दोनों पेपर का ये इंक्लूड है। इस व्हाट्सएप नंबर है 7500110034 पर आप व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, न्यू पेड ग्रुप है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेंस के बारे में और कोई डिटेल नोटिस आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। मेंस में जनरल साइंस और जीके दोनों पेपर हम लोग करा रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस आपके 100 मार्क्स की है और जो जीके है वो है आपका 150 मार्क्स का आता है, आप लोगों को पता ही होगा। बिहार एपीओ मेंस के लिए भी चल रहा है, जीएस पेपर के लिए, उसमें कंबाइंड होके पेपर आते हैं, तो आप लोग उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।